यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में बाइक चोरी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद मोटरसाइकिल दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से चोरी की गई थी। पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं बुलंदशहर के झंगीराबाद के रहने वाले मोहित, मनोज और हर्षित। ये तीनों आरोपी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर सहित एनसीआर में भीड़भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी करते हैं और उनकी फर्जी आरसी बनवाकर सस्ते दामों में बेचने का कारोबार करते हैं। देखिए, जनपद में विगत दिनों से जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। उस टीम ने गहन सुरागृति पतारसी करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर कल कार्रवाई की और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और इन अभियुक्तों से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मोटरसाइकिलें दिल्ली से और गौतम बुद्ध नगर से और बुलंदशहर से चोरी की गई हैं। इसमें सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है। 2016 से ही इस तरह के वाहन चोरी की घटनाओं में ये संलिप्त रहे हैं। इसमें इंस्पेक्टर खानपुर की टीम ने अच्छा कार्य करते हुए ये बरामद की थी। हाँ, इसमें एक तमंचा और चाकू भी बरामद। की माने तो मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर तीनों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर से चोरी किए गए इन 6 बाइकों को बेचने के लिए कहीं जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 1 छुरी, कई कारतूस भी बरामद करने का दावा किया है। तीनों आरोपी पिछले 5 साल से अंतरराज्य वाहन चोर गैंग चला रहे थे। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।